दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द न्यू एक्टिव वर्ल्ड में, मैं नाजिर बन। दोस्तों आज इसी माइडिया के ये ग्रे कलर की वॉशिंग मशीन के सारे चीज़ को आपको बताएंगे, डेमो इंस्टॉलेशन और सारे इक्विपमेंट को किसको कहाँ लगाते हैं, टैप कैसे लगाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन वाल्व कैसे खोलते हैं। तो दोस्तों आज चलते हैं टाइम को बिना डिले करते। दोस्तों देख सकते हैं ये माइडिया का 7 kg का ग्रे ब्लैक कलर का ये वॉशिंग मशीन है। इसका बहुत ही अच्छा कलर है। आज इसकी सारी डिटेल्स आपको बताएंगे, इसके इंस्टॉलेशन का सारा प्रोसेस एक एक करके बताएंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं दोस्तों ये ब्लैक कलर का जो है फ्लिपकार्ट पे अभी बिल पे बिक रहा है। ये माइडिया का देख सकते हैं ये ब्लैक है, बहुत ही बेहतरीन कलर है इसका। देख सकते हैं इसका एक चीज़ है, आप वहाँ से देख सकते हैं इसके इक्विपमेंट के अंदर क्या क्या रहता है। और इसका जो वहाँ पर आप नोब देख रहे हैं उसी जो है वो नोब जो है वो डिजिटल डिस्प्ले, ये जो है नोब है इसमें डिजिटल डिस्प्ले लगा हुआ है। तो अब इसके इक्विपमेंट को खोल के दिखलाते हैं कि इसके अंदर क्या क्या प्रोडक्ट है और इसका डेमो इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं इसके अंदर से एक पाइप निकलता है और वो एक सेफ्टी प्रोटेक्टर निकलता है और एक जो है वाटर एडजस्टेबल टैप निकलता है। तो ये हो गया सेफ्टी प्रोटेक्टर जो वाल्व रहता है पीछे साइड से, जो ट्रांसपोर्टेशन वाल्व खोलते हैं उसी में इसको एडजस्ट कर देते हैं। ये हो गया वाटर इनलेट का जो टैप है एडजस्ट, यही है ट्रांसपोर्टेशन नट रहता है जो ट्रांसपोर्टेशन में ड्रम को डैमेज होने से बचाता है। दोस्तों तो इस ट्रांसपोर्टेशन वाल्व से ड्रम को डैमेज होने से बचाता है। तो इसी को चारों साइड से आहिस्ते आहिस्ते खोल देंगे, ईजिली खोल जाएगा, इसमें उतना ज़्यादा नहीं रहता है। एक दो बार पहले आहिस्ता थोड़ा सा खोलिएगा, उसके बाद चारों साइड हल्का हल्का घुमाइएगा तो उसको ईजिली देखिए निकल गया। इसी तरीके से सारे का प्रोसेस करेंगे, सारे को एकदम ईजिली खुल जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं है। आप आहिस्ता आहिस्ता भी खोलिएगा तो ईजिली खुल जाएगा। पहले ढीला हल्का कर लीजिएगा, उसके बाद उसको हल्का चाट दीजिएगा तो वो निकल जाएगा। देख सकते हैं दूसरा भी खुल गया, तीसरा भी खुल रहा है। दोस्तों देख सकते हैं स्क्रू ड्राइवर के माइनस से हल्का सा जर में फंसाइएगा, उसके बाद अगर आप ज़्यादा नट को खोल दिए हैं तो फिर उसको टाइट कर दीजिएगा और एक बार बाएं दाएं अप ऊपर नीचे कीजिएगा तो वो स्क्रू एकदम ईजिली बाहर आ जाएगा। एक दो में आपको थोड़ा सा परेशानी होगी लेकिन फिर भी अगर एक दो बार कीजिएगा तो देख सकते हैं ये खुल गया। तो दोस्तों देख सकते हैं ये चारों ट्रांसपोर्टेशन वाल्व है तो खुल गया। अब ये चारों इसमें ढक्कन देख सकते हैं लगा दे रहे हैं, तो ये चारों तो दोस्तों देख सकते हैं ये जो था चारों ट्रांसपोर्टेशन वाल्व में टैप लग गया है। अब चलते हैं, ये देख सकते हैं ये रैट सेफ्टी है, ये जो नीचे लगता है ये रैट सेफ्टी है। इसमें एक बहुत साइड का टेप लगा रहता है, इसको आराम से एकदम उखाड़िएगा पकड़ के तो वो इजीली आ जाएगा। फिर सारे पॉइंट से चारों साइड से उखाड़ लीजिएगा, जिस साइड फ्रंट लिखा हुआ है वो आगे साइड जाएगा और उसमें ध्यान देना है। ये रैट सेफ्टी बहुत टेक्नीशियन नहीं लगाते हैं क्योंकि तो इससे क्या प्रॉब्लम होता है कि मशीन में जो है नया मशीन लिए आपको चूहा वूहा अंदर से घुस जाता है। तो आप जो है जब भी इंस्टॉलेशन में जाइए तो थोड़ा सा काम के लिए आप अपनी कंपनी का रेपुटेशन ख़राब मत कीजिए। ये सब जो है जो जो चीज़ इंस्टॉलेशन में आता है उसको अच्छी तरीके से कीजिए, कहीं पर भी कोई भी लापरवाही नहीं कीजिए। आपकी थोड़े से लापरवाही की वजह से चूहा इसके अंदर घुस सकता है और आपके नए मशीन को बर्बाद कर सकता है। तो दोस्तों ये सब जो परेशानी है वो आप थोड़ा सा अस्कप्ती करते हैं। तो देखिए इसको लगाते समय एक चीज़ आपको ध्यान देना होगा, फ्रंट साइड का जो है तो देखिएगा इसमें एकदम स्क्रू भी रहता है और ऐसे भी चिपका दीजिए। तो चिपकाने में आप देखिए ये जो फ्रंट साइड है उसके बाद चारों साइड से बराबर से कर दीजिएगा और उसके बाद मुट्ठी से बना करके मार दीजिए। तो दोस्तों देख सकते हैं एकदम ईजिली एकदम अच्छे से चिपका दिए हैं। देख सकते हैं ये जो डायरेक्शन है, ये जो आप देख रहे हैं ये फ्रंट साइड का है, ये जो लिखा हुआ देख इसी का डायरेक्शन है, ये फ्रंट साइड का इंडिकेशन है। तो दोस्तों देख सकते हैं किस तरीके से फ्रंट साइड का ये है। तो रैट सेफ्टी लगाना एकदम ही है, एकदम अच्छे से चेक कर लीजिए, चारों साइड दबा करके एकदम टेपिंग बहुत अच्छे से हो जाता है। तो दोस्तों देख लिए अब रैट सेफ्टी, अब आगे का प्रोसेस करते हैं। ये चारों जो नट देख रहे हैं ये एडजस्टेबल फुट है, ये किसी जगह अगर आपको बैलेंस नहीं हो रहा है मशीन में तो करना है। अब देख सकते हैं दोस्तों देख सकते हैं ये टैप बहुत कम टेक्नीशियन को मालूम है कि इसको कैसे लगाया जाता है। अक्सर टेक्नीशियन लगाते हैं लेकिन वाटर लीकेज छोड़ देते हैं। तो इसको सबसे अच्छा लगाने का तरीका अभी हमें आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। सबसे पहले इसका चारों स्क्रू को ढीला कर लेना है, एकदम अच्छी तरीके से चारों स्क्रू को ढीला कर लीजिएगा। उसके बाद इसका जो है पूरा खोल दीजिएगा। ये अगर किसी जगह घाट वाला नल है तब यहाँ ऊपर में जो लगा हुआ है
उसको लगाना है, नहीं तो उसको हटा देना है। अगर घाट वाला नल नहीं है तो उसको हटा देना। उसके बाद इसको पूरा टाइट नहीं करना है, इसको हल्का टाइट करना है ताकि गुना में सट जाए। और इसका जो है बैक साइड का जो है स्क्रू को ज़्यादा टाइट रखना है, और ये जो बैक साइड रहेगा, और बाकी आमने सामने बाएं दाएं का उसको हल्का हल्का टाइट करना है ताकि बैक साइड आपको स्क्रू ड्राइवर घुमाने का ही लोचा नहीं पड़े। और इसको ले जाना है टैप में एकदम ईजिली, बहुत अच्छे से फिट हो जाएगा। अभी देख लीजिएगा, हम आपको फिट करके बताते हैं। दोस्तों मीडिया इंस्टॉलेशन में अभी तक जितने सारे नए नए टेक्नीशियन गए हैं उनमें सबको ज़्यादा को ये प्रॉब्लम आती है। ये आप देख सकते हैं, ये जो ड्रेन का पाइप है इसमें आपको बहुत ध्यान से देखना होगा, ये जो जहाँ नट टाइट है उसको कभी नहीं खोलना है। क्या कि इसमें अलग से ड्रेन मोटर लगा रहता है, ये ऊपर से वाटर फ्लो करता है। तो दोस्तों ये जो है आपको कभी नहीं खोलना है, इसी हाइट पर से इसका ड्रेन आउट होगा। तो कभी टेक्नीशियन जाते हैं और इसको खोल करके नीचे कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि पानी लेता है और तुरंत बाहर कर देता है। तो दोस्तों ये जो टैप है जहाँ से आप देख रहे हैं, जहाँ नल का जो ये टाइट है, तो इसको हमेशा उसी हाइट पर टाइट कर देना है ताकि आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये बहुत सारे टेक्नीशियन अभी कर चुके हैं, तो दोस्तों इसका आपको खास करके ध्यान देना होगा। तो चलिए दोस्तों, आप देख सकते हैं ये टैप लगाने का तरीका। सबसे पहले हम चारों साइड से जो आपको बताए थे वो ढीला कर दिए, और बैक साइड का जो है उसको पूरी तरीके से टाइट कर दिए। और उसके बाद बराबर से देख लीजिए, घाट वाला है तो इसको बराबर से अब हम इसका स्क्रू जो है चारों साइड से बराबर से एकदम हाथ ही से टाइट करेंगे। देखिए पहले हाथ से टाइट कर देंगे, एकदम बराबर से चारों साइड से हाथ से टाइट कर देंगे जितना टाइट हो सकेगा, उसके बाद स्क्रू ड्राइवर का यूज़ करेंगे। तो चारों साइड से बराबर से हाथ से टाइट कर दिए हैं, पीछे का भी थोड़ा बहुत अगर टाइट होगा तो उसको भी कर देना है। उसके बाद आपको जब टाइट कर दीजिएगा तो आप देखिएगा कि इसका जो है वो अभी घूम रहा है। उसके बाद देखिएगा ये चारों साइड से अब टाइट हो गया, अब इसमें हम स्क्रू ड्राइवर का यूज़ करेंगे। तो जिस साइड पीछे, मैंने इसीलिए बताया था कि पीछे जो है नल के बाद जगह नहीं होता है, तो इसीलिए हम लोग आगे, और ये देख सकते हैं ये आगे टाइट हो गया और ये इस साइड टाइट हो गया, बाएं दाएं और आगे का टाइट हो जाता है। पीछे का क्यों इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि उस साइड जगह नहीं होता है, इसीलिए आपको बोले थे कि पीछे का पहले ही पूरा टाइट कर दीजिएगा। अब हो गया, अब इसको क्या करेंगे, हल्का आहिस्ता आहिस्ता टाइट कर देंगे। टाइट करने से क्या बेनिफिट है, इससे क्या होगा कि आपका जो है वो जो रबर है जा करके नल में फंस गया है, और अब देखिएगा ज़रा सा भी पानी लीकेज नहीं है। आपको देखिए कितना अच्छा हम इसको किए हैं, आपको एक ज़रा कहीं से पानी लीकेज का प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं टैप कितना अच्छा लगा के आपको दिखला दिए, देख सकते हैं ये अब इन जाएगा जो वॉशिंग मशीन में जाता है। ये पाइप को भी आहिस्ते आहिस्ते पहले पूरी तरीके से टाइट कर देना है, एकदम आहिस्ते आहिस्ते घुमाइएगा। अगर आपके पास टेफ्लॉन है तो टेफ्लॉन भी लगा दीजिएगा, बाकी इसके अंदर रबर डाला रहता है, अगर टेफ्लॉन नहीं भी है तो वो अच्छे से लग जाएगा। तो दोस्तों अगर आपके पास उसमें टेफ्लॉन है तो टेफ्लॉन टाइट कर दिया, विदाउट टेफ्लॉन भी ये अच्छे से लग जाएगा, इसमें कोई इश्यू नहीं है। तो अब देख सकते हैं ये टाइट हो गया, और थोड़ा सा इसको अगर आप जो है अपना एडजस्ट के हिसाब से जैसा करना है वैसा कर लीजिए। तो दोस्तों अब ये भी टाइट हो गया है, टैप भी और इनलेट भी टाइट हो गया है, अब आगे का प्रोसेस करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं ये वॉशिंग मशीन का इंस्टॉलेशन का स्टैंड पे भी रखा गया है, और इंस्टॉलेशन का लगभग प्रोसेस जो है आपको मैंने बता दिया है। अब आगे चलते हैं, मशीन को ऑन करते हैं और उसमें पावर देते हैं, देखते हैं ये फाइव। तो दोस्तों देख सकते हैं इसको खोलने का तरीका है, वहाँ पुश करेंगे तो खुल जाएगा। तो ये देख सकते हैं इसको पुश करेंगे तो खुल जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं ये जो मैंने है कॉटन टाइप का कपड़ा जो है वो अंदर में डाल दिया है। तो अब डाल देने के बाद देखिएगा, हमेशा जो है ये कपड़ा अंदर में अच्छी तरीके से वो लगभग हम डाल दिए हैं। तो अब इसको लॉक कर देंगे यहाँ से पुश करके, अब आ जाते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ जो है ये प्रोसेस करते हैं। ये जो है एक साइड जो रहता है डिटर्जेंट का रहता है, और एक साइड जो है आपको लिक्विड का रहता है। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ जो है हम लिक्विड डाल रहे हैं, लिक्विड जो है ये यहाँ पे हम डाल दे रहे हैं। तो जितना रिक्वायरमेंट के हिसाब से रहेगा उतना हम, ये देख सकते हैं ये लिक्विड डाल दिए हैं। तो दोस्तों अब डालने के बाद जो है जितना रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अगर आपको एक साइड लिक्विड का है और एक साइड डिटर्जेंट का है, तो अगर आप लिक्विड यूज़ करते हैं तो लिक्विड भी डाल सकते हैं और डिटर्जेंट। तो देख सकते हैं ये जो डिस्प्ले में आपको मैंने बताया था कि डिस्प्ले में पावर जलेगा, तो दोस्तों देख सकते हैं ये डिस्प्ले में आपको एकदम ब्लिंकिंग करना स्टार्ट कर गया। तो दोस्तों आज जो है हम सबसे पहले क्विक जो प्रोग्राम है, सारा जो डिस्प्ले का सेटिंग है, तो यहाँ देख सकते हैं ये ऑफ है। तो यहाँ सबसे पहले हम इसको ऑन करते हैं, देख सकते हैं ऑन करेंगे तो इस तरीके का आएगा। ये जो क्विक है तो 15 मिनट का रहता है, इसमें रिंस, स्पिन और वाश ये तीनों प्रोग्राम लेगा। नॉर्मल डेली यूज़ का कपड़ा है तो हम इसमें डालेंगे, और रैपिड में थोड़ा ज़्यादा गंदा है
तो इसमें 45 मिनट लेगा। इसमें भी तीनों प्रोसेस है, टाइम थोड़ा आगे पीछे हो सकता है क्योंकि किसी जगह पानी का प्रेशर लो हाई रहता है, तो यहाँ पे डिपेंड करता है। तो आपको रैपिड का बता दें। अब आ जाते हैं मिक्स में रहेगा, दो तीन कॉटन सिंथेटिक दो तीन कपड़ा अगर मिलाए हुए हैं, तो अगर एक कलर का कपड़ा है तो 20 डिग्री पे रखेंगे, दूसरे कलर का कपड़ा है तो 40 डिग्री तक दोनों दो तीन कलर का रख सकते हैं। जैसे हम 60 डिग्री में जाएंगे तो आपको सिंगल कलर का कपड़ा रखना है, क्योंकि कलर जो है अंदर कपड़ा में मिक्स नहीं। ये हाइजेनिक है, थोड़ा सा जो है इसमें आपको जो है ना, ये मेडिकल इक्विपमेंट का कपड़ा या फिर जो मेडिकल लाइन में काम वम करते हैं उनके लिए है, 90 डिग्री का कपड़ा जो रहता है जिसमें जर्म वर्म कुछ ज़्यादा रहता है, जो मेडिकल में डेली काम करते हैं उनके लिए है, तो उनको 90 डिग्री पे कपड़ा रखना है, तो इसमें वाश करना है। ये देख सकते हैं रिंस एंड, इसमें सिर्फ इसमें खंगालेगा और सुखाएगा, वाश नहीं करेगा। तो ये जो ऑप्शन है आपको रिंस एंड स्पिन, इसमें खंगालेगा और सुखाएगा, वाश नहीं करेगा। ये देख सकते हैं सिर्फ स्पिन ओनली है, तो इसमें सिर्फ सुखाएगा। और ये इकोनॉमिकली है, 40 से 60 डिग्री बॉइलिंग टेम्परेचर है पानी का, और जो है सबसे थोड़ा सा ये डिफरेंट है, बिजली इसमें कंजम्पशन थोड़ा कम होगा। और डेलीगेट में सॉफ्ट कपड़ा जो रहता है उसको हम डेलीगेट में डालते हैं, जो एकदम भुरभुरा टाइप का नॉर्मल एकदम सॉफ्ट कपड़ा हो गया। और जींस में जींस क्वालिटी का कपड़ा डालेंगे। यहाँ है 60 डिग्री 40 डिग्री और ये नॉर्मल कॉटन में 20 डिग्री है। तो 60 डिग्री में जानते हैं कि आपको बताए हैं कि अभी बताए थे कि इसमें आपको एक सिंगल कलर का कपड़ा रखना है, 40 डिग्री में दो तीन कलर का डाल दीजिएगा, और 20 डिग्री में नॉर्मल कपड़ा जो डेली वॉश का हम लोग पहनते हैं उसको उसमें डाल दीजिएगा। तो दोस्तों अभी जो हम है एक क्विक ऑप्शन है उसको दबा दिए, 15 पे दबा करके यहाँ दे सकते हैं। डिले है तो डिले से आप अपने से टाइमिंग सेट कर सकते हैं, ये दोनों को 3 सेकंड तक प्रेस कीजिए तो चाइल्ड लॉक लग जाएगा। अगर कभी कभी वॉश नहीं हुआ है तो फिर यहाँ प्रेस कर देंगे तो प्री वॉश हो जाएगा। एक्स्ट्रा रिंस, कभी कभी साफ करने के बाद भी थोड़ा फेन उन लगता है तो यहाँ प्रेस कर देंगे तो हो जाएगा। और सबको दबाने के बाद यहाँ हम स्टार्ट कर दिए, ये देख सकते हैं। ये तो दोस्तों देख सकते हैं मशीन स्टार्ट हो गया है और वाटर भी लेने लगा है। तो दोस्तों देख सकते हैं ये वाटर भी लेने लगा है और सारा डिटर्जेंट अंदर चला गया। तो दोस्तों मैंने आज आपको फ्रंट लोड माइडिया के 7 kg का ग्रे कलर का सारी जानकारी आपको एक एक करके दे दी। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। दोस्तों अगर आप एक लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों इसमें जो भी प्रॉब्लम आती है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में।